हेलो अगेन। सो आज मैं मोरक्कन सैलड बना रही हूँ बीट्स के साथ और वॉलनट्स। ये बहुत ही हेल्दी सैलड है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को सैलड्स खाना बहुत पसंद है, तो दिस रेसिपी इज़ फॉर हिम। ऑल्सो ट्राई इट, मे बी योर फैमिली एंड किड्स लव इट। सो दी इन्ग्रीडियंट्स आर, आई हैव टेकन चॉप्ड कैरेट्स, बीट्स, कैबेज एंड टर्निप। You can change the veggies if you want, but this is the combination that I want to use, and I've taken walnuts, oil, and black salt. Also, a little bit of honey. तो बहुत ही इजी सैलड है। इसके लिए हम सबसे पहले सैलड ड्रेसिंग बनाएंगे। तो 1 टेबलस्पून ऑयल में मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है। यू कैन यूज़ इट एज़ पर योर टेस्ट। और इसमें मैं अभी फ़िलहाल इसको बस विस्क करूँगी लेमन डाल के, और हनी लास्ट में डालूँगी। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, और बस देन वील विस्क इट एंड दिस सिंपल ड्रेसिंग विल बी रेडी। सो नाउ इन अ बोल आई विल बी एडिंग ऑल द वेजीज। सो ये सिर्फ मैंने चॉप करी है, ऐसे कुछ भी बॉयल नहीं करा है। दीज आर जस्ट वॉश्ड एंड चॉप्ड। मिक्सिंग देम टुगेदर एंड नाउ आई विल बी एडिंग दी सैलेड ड्रेसिंग, दी होम मेड सैलेड ड्रेसिंग। तो बीट्स और वॉलनट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं इसमें अब थोड़े से वॉलनट्स को चॉप करूँगी। एंड आई एडेड हनी। डू एड हनी, डोंट स्किप दैट स्टेप, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है बीट्स और टर्निप के सैलेड को, स्पेशली अलॉन्ग विद वॉलनट्स। सो यहाँ मैंने वॉलनट्स को चॉप करके ऐड कर दिया सैलेड में, और अब एक अच्छा सा इसको स्टेयर देंगे ताकि ये सारी ड्रेसिंग सब वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाए। सो आई एम मिक्सिंग इट वेल टुगेदर। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कीप इट इन फ्रिज एंड देन सर्व, बट आई एम जस्ट सर्विंग इट लाइक सो। सो दिस इज़ दी सिंपल एंड ईजी वॉलनट बीट रेसिपी। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, बाय।